बिग बॉस 14 में पुराने कंटेस्टेंट्स को लाकर नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। इस सीजन में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो पहली बार शो में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अर्शी खान, विकास गुप्ता, मनु पंजाबी, राहुल महाजन, राखी सावंत और कश्मीरा शाह को बतौर चैलेंजर्स घर में लाया गया है, जबकि घर से एविक्ट हुए अली गोनी और निकी तंबोली को भी वापस बुला लिया गया है। इतना ही नहीं, अपनी मर्जी से बिग बॉस 14 को छोड़कर गए राहुल वैद को भी बुला लिया गया है। वहीं रुबीना दिलैक, एजाज खान, जैस्मीन भसीन और अभिनव शुक्ला शो में जमे हुए हैं। इसी बीच अर्शी खान ने घर में एंट्री करने के बाद से ही विकास गुप्ता को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कल यानी 14 दिसंबर को जब से कलर्स ने बिग बॉस के नए एपिसोड का ट्रेलर रिलीज किया है, तब से सभी फैंस में घर में आगे क्या होने वाला है उसे जानने की होड़ में जुट गए हैं। दरअसल बिग बॉस में यूं कहें तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं और लोगों में धक्का मुक्की भी होती रहती है, लेकिन इस बार का नजारा जरा हटके था। इस बार तो अर्शी खान ने पूरी तरह से शिल्पा शिंदे की तरह ही विकास गुप्ता को तंग करना शुरू कर दिया। यही नहीं, बिग बॉस के कई बार मना करने के बावजूद उन्होंने विकास गुप्ता को टच किया और पुश भी किया था। लेकिन कल के शो में जब अर्शी खान ने सारी सीमाओं को लांघते हुए विकास गुप्ता के परिवार की बातों को बाहर लाना शुरू किया तो विकास के सब्र का बांध टूट गया। इसी तरह उन्होंने सोचे समझे दाब को चलते हुए अर्शी खान को धक्का दे दिया और वो सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। विकास गुप्ता ने माना कि वो जानते थे इससे अर्शी को चोट नहीं लगेगी, लेकिन अर्शी ने माइक भी नहीं पहना हुआ था। इस पर अर्शी ने कहा कि ये हिंसा है, उनके साथ विकास ने गलत चीज की है। आखिरकार बिग बॉस ने विकास गुप्ता को धक्का मारने की सजा दी और उन्हें घर से बाहर कर दिया, या यूं कहें तो उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया। जी हाँ, सेट से मिली जानकारी के मुताबिक विकास गुप्ता को घर से बेघर नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें सीक्रेट रूम में भेज दिया गया है। देखा जाए तो उन्हें शो में बतौर मास्टरमाइंड ला गया था, लेकिन फिलहाल वो फुस हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।